आज़ादी के इतने लंबे समय तक हम सबको जिस वॉर मेमोरियल का इंतजार था वह अब खत्म होने जा रहा है। इसके बारे में देशवासियों की जिज्ञासा उत्सुकता बहुत स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी ऐप पर उडुपी कर्नाटक के श्री ओंकार शेट्टी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल तैयार होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। मुझे आश्चर्य भी होता था और पीड़ा भी कि भारत में कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था, एक ऐसा मेमोरियल जहां राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों की शौर्य गाथाओं को संजोकर रखा जा सके। मैंने निश्चय किया कि देश में एक ऐसा स्मारक अवश्य होना चाहिए। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल के निर्माण का निर्णय लिया और मुझे खुशी है कि यह स्मारक इतने कम समय में बनकर तैयार हो चुका है। कल यानी 25 फरवरी को हम करोड़ों देशवासी इस राष्ट्रीय सैनिक स्मारक को हमारी सेना को सुपुर्द करेंगे। देश अपना कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास करेगा। दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। अमर चक्र की लौ शहीद सैनिक की अमरता का प्रतीक है। दूसरा सर्किल वीरता चक्र का है, जो सैनिकों के साहस और बहादुरी को प्रदर्शित करता है। यह एक ऐसी गैलरी है जहां दीवारों पर सैनिकों की बहादुरी के कारनामों को उकेरा गया है। इसके बाद त्याग चक्र है। यह सर्किल सैनिकों के बलिदान को प्रदर्शित करता है। इसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। इसके बाद रक्षक चक्र सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। इस सर्किल में घने पेड़ों की पंक्ति है। ये पेड़ सैनिकों के प्रतीक हैं और देश के नागरिकों को यह विश्वास दिलाते हुए संदेश दे रहे हैं कि हर पहर सैनिक सीमा पर तैनात है और देशवासी सुरक्षित है। कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहां उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके। देश के विकास में हमारे सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के महान योगदान को शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में मुझे नेशनल पुलिस मेमोरियल को भी देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। वह भी हमारे उस विचार का प्रतिबिंब था जिसके तहत हम मानते हैं कि देश को उन पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो अनवरत हमारी सुरक्षा में जुटे रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप राष्ट्रीय सैनिक स्मारक और नेशनल पुलिस मेमोरियल को देखने जरूर जाएंगे। आप जब भी जाएं, वहां ली गई अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले और वे भी इस पवित्र स्थल, इस मेमोरियल को देखने के लिए उत्सुक हों।